आज 3 अप्रैल और 2 अप्रैल को कल नोटिफिकेशन जारी की गई थी इंडियन आर्मी द्वारा और इसकी एक भर्ती होगी। भर्ती कब है वो हम आपको बता देंगे, तो जो उसमें पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है इसको आप पढ़िएगा। 2 अप्रैल से आप 16 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती जो आपकी बेहतरीन स्टेडियम ये बिलासपुर में आपकी भर्ती होगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए 18 मई से 31 मई तक जो आपके एडमिट कार्ड वगैरह वो आपको भेज दिए जाएंगे। और एक बात और बता देते हैं कि जो ये भर्ती है ये छत्तीसगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर उसमें होगी, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का है उसमें ये भर्ती नहीं होगी। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट जॉब या इंडियन आर्मी की जो भी भर्ती आती है उसके बारे में जानकारी चाहिए, वीडियो को आप लाइक करिएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको हम दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोस्टें कौन कौन सी भरी जाएंगी, तो वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। 16 GD की पोस्टें भरी जाएंगी। 17.5 से 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 1 अक्टूबर से लेकर 1 अप्रैल 2002 तक आप इसके लिए आपकी एज चाहिए। हाइट 168, वेट 50 किलो बताया हुआ है और जो चेस्ट है वो 70-82 इसमें बताई हुई है। इसके लिए 10वीं पास आप होने चाहिए, 45% नंबर आपके होने चाहिए, 33% हर सब्जेक्ट में आपके नंबर होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे 16 जनरल ड्यूटी शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट की ST की, तो इसके लिए सेम रहेगी एज, सेम रहेगी डेट ऑफ बर्थ और हाइट जो इसमें आपको 6 सेंटीमीटर का छूट होगी, ठीक है। तो हाइट होगी 162 सेंटीमीटर, वेट होगा 48 और जो उसकी चेस्ट है वो 72। बाकी क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, 10th पास, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% आपके नंबर होने चाहिए। इट मीन्स 100 में से 33 आपके नंबर होने चाहिए। उसके बाद 16 टेक्निकल की नोटिफिकेशन है। 17.5 से 23 साल एज होनी चाहिए और इसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1996 से आप 2002 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हाइट क्या चाहिए, चेस्ट क्या चाहिए, वेट क्या चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो +2 पास आप होने चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन एज सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। तो 50% आपके नंबर होने चाहिए और 40% आपके हर सब्जेक्ट में नंबर होने चाहिए। मेंस की 100 में से 40 आपके 40 जो नंबर है आपके वो हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। अब उसके बाद हम बात करेंगे 16 टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। 17.5 से 23, डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगी इसके लिए, एज और जो इसमें हाइट है 167 रहेगी, 50 किलो वेट और जो चेस्ट और वो 70-82 ये 77 से। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो +2 पास और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद 50% मार्क्स आपकी सेम रहेगी इसमें। अब जो 16 क्लर्क है इसके लिए क्या चाहिए, तो 17.5 से 23 साल एज चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगी, इसमें हाइट जो इसमें आपको छूट मिलेगी। 16 क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल की ऑल आर्म्स ये नोटिफिकेशन को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। बाकी क्या चाहिए, हाइट भी मैं आपको 6 सेंटीमीटर का इसमें छूट दी हुई है, वेट सेम रहेगा और जो चेस्ट है वो भी सेम रहेगी। +2 पास आर्ट्स कॉमर्स साइंस विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इन ए सब्जेक्ट। तो आप देख लीजिएगा कि आपके जो +2 है वो किसी भी आर्ट्स में हुई है, कॉमर्स में या साइंस में, आपके जो नंबर है वो 60% होने चाहिए और उसमें 50% जो है मिनिमम जो एग्रीगेट पर सब्जेक्ट में आपके नंबर होने चाहिए। अब उसके बाद जो अगली नोटिफिकेशन आई थी, ये अगली जो वैकेंसी है 16 ट्रेड्समैन की है, 8वीं पास इसके लिए आप चाहिए, देख लीजिए एक बार, 8वीं पास है आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1996 से लेकर 2002, 168 हाइट और 48 वेट है, टेस्ट 76 रहेगी, क्लास 8th पास इसके लिए, सिंपल 8th पास, और ये हाउस कीपर एंड मैथ कीपर, ठीक है।
और बाकी जो इसके बाद आपको पता होगा किस प्रकार से आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और कौन से कितने मार्क्स आपको किस प्रकार से लगते हैं वो आपको पता होगा, ठीक है। हाइट का फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, तो ये 1600 मीटर आपकी रेस होगी। टाइम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि टाइम क्या होगा इसके लिए, और आपको अप टू 5 मिनट 5.5 मिनट में ये पूरी करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो क्लरिकल वाले उनके लिए भी सेम रहेगी, इसमें बताया हुआ आपको सब कुछ सेम है। बीम्स है ये आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है, बीम्स पोल, और इसके मार्क्स कितने लगेंगे वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। बाकी जो भी है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एडमिट कार्ड कब आएगा हमने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी है, तो जो भी आपको जानना है कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जिस भी स्टेट से हैं, छत्तीसगढ़ वाले जो भी लोग इसको देख रहे हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वैकेंसी होगी उनके बारे में हम आपको इस चैनल पर जानकारी देते रहें। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ हेम तक इस यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए इतने, नमस्कार, बने रहिएगा मेरे साथ, धन्यवाद।